दर्शकों, इस चैप्टर में टेस्टोस्टेरोन एचआरटी और पीरियड्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पीरियड्स एक बहुत ज्यादा डिस्फोरिक मोमेंट होता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो टेस्टोस्टेरोन चालू करने के कितने हफ्तों बाद हमारा पीरियड कम्प्लीटली हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होता है। एक का 3 महीने में बंद हो जाता है, एक का 4 महीने में बंद हो जाता है, और किसके पीरियड में थोड़ा समय लगता है जाने में। पर मैं ये कहना चाहूंगा, हमेशा अपने साथ सैनिटरी पैड्स रखिए, क्योंकि कभी कभी वापस भी पीरियड्स आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए वो वापस आएंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेते वक्त। तो हमेशा अपने पास पैड्स रखें। पर यदि आप टेस्टोस्टेरोन एचआरटी ले रहे हैं और आपका पीरियड्स बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है, कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो ये था टेस्टोस्टेरोन एचआरटी और पीरियड्स के बारे में। पर अगर आपको ट्रांजिशन और सर्जरी के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो फॉलो कीजिए ट्रांसजेंडर इंडिया। मेरा नाम पारस डोगरा है और मैं ट्रांसजेंडर इंडिया का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। धन्यवाद।